तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। नमस्कार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन था। जबलपुर की सबसे चर्चित सीट है राकेश सिंह की, जो पश्चिम से हैं, जो लड़ रहे हैं तरुण भानोट कांग्रेस के प्रत्याशी थे। आइए उनसे बात करते हैं, उन्होंने नामांकन भरा है, आइए उनसे बात करते हैं। ये बात करें, क्या विजन है अपने पश्चिम विधानसभा को लेकर आपका? देखिए, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र हो या जब मैं सांसद था तब संसदीय क्षेत्र, सांसद आज भी हूँ, मेरा एक ही विजन रहा है, अपने क्षेत्र का विकास, और वो भी शाश्वत विकास। अब पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जब प्रत्याशी के रूप में हूं तो विजन डॉक्यूमेंट भी हमने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए तैयार किया है, जिसको शीघ्र ही, हो सकता है अगले एक दो दिनों के अंदर ही, उसको आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में हम उसको रखने जा रहे हैं। और उस विजन डॉक्यूमेंट में पश्चिम विधानसभा भविष्य में कैसी होगी उसका उल्लेख होगा, और हम संकल्पित हैं अपने विजन डॉक्यूमेंट को लेकर। जैसे लोकसभा क्षेत्र में जो विजन डॉक्यूमेंट हमने रखा था उसमें जितने कामों का उल्लेख था वो सारे पूरे कर दिए, जिनका उल्लेख नहीं था वो भी कर दिए, और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भी जिनका उल्लेख हम करेंगे वो सारे कार्य हम पूरा करके दिखाएंगे। आपके सामने जो प्रत्याशी है वो आर्थिक बलशाली है, उसका टक्कर आप कैसे निपट पाओगे उससे? देखिए, आर्थिक ताकत के बूते चुनाव नहीं जीते जा सकते। आप वोट खरीदने की कोशिश कर सकते हो, वोट खरीद नहीं सकते। सामान देकर, गिफ्ट देकर, शराब देकर आप वोट नहीं खरीद सकते। अगर ऐसा होता, वोट खरीदे जा सकते, तो एक चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। रतन टाटा कभी मुंबई से चुनाव नहीं हारते, नंदन नीलकेड़ी बेंगलोर से कभी चुनाव नहीं हारते। इसलिए जिनको ये भ्रम है कि आर्थिक ताकत के बूते वो जनता के वोट खरीद सकते हैं, ये भ्रम उनका भ्रम ही रह जाएगा। जनता समझदार है, जनता बिकाऊ नहीं है। वो भी तो अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, फिर वो कैसे आप उनसे सनातनी से आगे निकलने की बात? देखिए, छद्म सनातनी और सनातनी में फर्क है। सनातनी सत्य सनातन धर्म को मानने वाले सनातनी हैं, लेकिन जब जब भी सनातन पर कोई आक्षेप आए तो उसके लिए खड़े होने वाले लोग कौन है? ये वो सनातनी हैं जिनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बेटा और उनके गठबंधन के बड़े बड़े नेता सनातन धर्म को कोड़ कहते हैं, खाज कहते हैं, डेंगू कहते हैं, मलेरिया कहते हैं, और सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं। और उन्हीं की पार्टी के लोग अगर ये कहें कि हम सनातनी हैं, केवल भगवा गमछा डाल लेने से कोई सनातनी नहीं हो सकता, चुनाव का समय आने पर केवल तिलक लगा लेने से कोई सनातनी नहीं हो सकता, सनातनी होने के लिए सनातन के साथ खड़े होकर सनातन के रक्षण के लिए आपने अभी तक क्या काम किए हैं? और जब जब भी सनातन को किसी ने चुनौती दी है तो आप क्या उसके सामने खड़े हुए? आप तो उनके साथ खड़े हैं। सत्य सनातन धर्म को समाप्त करने की बात जो लोग करते हैं उनके साथ अगर आप खड़े हैं तो आप कभी भी सनातनी नहीं हो सकते। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सनातन के साथ थी, सनातन के साथ है, सनातन के साथ रहेगी। अभी आप जा रहे हैं क्षेत्र में, किस तरह का माहौल देख रहे हैं, क्या कितना रिस्पॉन्स देख रहे हैं भारतीय जनता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दो बार से वहां हार रही है? देखिए, मैं सांसद के रूप में तो मुझे जनता ने हमेशा आशीर्वाद दिया है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भी दोनों चुनाव में पिछले 80,000 और 90,000 वोटों की लीड मुझे मिली है, और इससे जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट वहां पर है, और जनता बहुत उत्साह के साथ आशीर्वाद दे रही है, और जैसा आशीर्वाद मिल रहा है उससे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जीत भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित है जनता के आशीर्वाद से। ये थे हमारे साथ राकेश सिंह जी, जो जबलपुर की सबसे चर्चित सीट पश्चिम विधानसभा पे चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। धीरज शाह, MP तक जबलपुर।